मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के समय प्रदेश में किसी तरह के दंगे फसाद नहीं होने दिए और पंजाबियत को पूरी तरह से बचाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई तरह के विकास के कार्य किए गए हैं और जितना समय रह गया है और भी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। उन्होंने पंजाब के लोगों को कहा कि वे मास्क लगाएं और जो भी दिशा निर्देश हैं उसे लागू करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकार को आर्थिक तौर पर बहुत क्षति सहनी पड़ी है। कैप्टन ने कहा कि 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने शपथ ली थी कि राज्य में जो नशे का कारोबार चल रहा है उसकी कमर तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि राज्य से नशा खत्म करूंगा। कैप्टन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बरगाड़ी बेअदबी कांड और कोटकपुरा गोली कांड में FIR हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोटकपुरा कांड में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई है और CBI से कोर्ट ने केस फाइलें दिला दी हैं। अब इस मामले पर जल्द कार्रवाई पूरी की जाएगी। सुनिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा। I'm very grateful to my president के जो मेरे से भरोसा है, जिन्ना मेनू इन्ना से भरोसा है। It's the same thing, but the decision is finally going to be the Congress president's decision. दूसरा CM साहब पिछले टाइम के बीच भी माइनिंग को लेकर काफ़ी हो हल्ला भी पैदा रहा, तो यह कहा जा रहा है कि जो लोगों को रेता तो बजरी सस्ती मिलेगी अपने मकान बनाने वास्ते, लेकिन अज तक जो रेता तो बजरी हैगी सस्ती नहीं मिल रही, बल्कि यह भी पता लग्या कि खजाने के बीच भी पैसा नहीं आ रहा है। देखो पिछले अकाली जो करके गए ने 35 करोड़ से, इस साल साढ़ा 350 करोड़ आया। Now I think that is 101.1000% approved. पर सर खजाने से तो आया नहीं जी है। हाँ खजाने से बिच नहीं जी आया है का। तो और कितने गया वो तो खजाने चाहिए। यही तो यही सवाल पैदा हो रहा है अभी कितने चला गया। 350 करोड़ is already listed in the budget. How can you say it's not there? जो financial जेरे जाने documents ने उतने दिखिया वैसे 350। एक सर जी बिजली हैगी है, बिजली सस्ती देने की कोई प्रोविजन हैगी है जी आने वाले टाइम में? बिजली का बारे दस दो सर। जरूर बिजली का की बिजली सस्ती देने की, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है जी। देखो अपना अपना सब कुछ सारे अगर मेरे बस की गल होंगी तो मेरे हाथ च हों और मेरे को रिसोर्सिज होंगे, ये पंजाब के पैसे ने, पंजाब के लोगों के पैसे ने, मैं कर दिना। I have to balance, not me, but the finance minister has to balance the books. उन्हें देखना पड़ेगा क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। Therefore says the drone is too small there, radar can't pick it up. The BSF does not have the right equipment. Otherwise, if you can get them, I said somewhere in the world somebody must be having them. Get them, plant them on our borders and block them the Kashmir borders. And when these drones come across, the small radar should pick them up and shoot them down. And that is the only way of dealing with this. That was my discussion. और फिर प्रेस रोड़ा पे गया कि जी किसान नहीं गाल करने चले गए थे। Fact is this, that this is worrying me. I have been through this and मेरा ख्याल तुसी सारे जेड़े सीनियर जर्नलिस्ट रे बैठे और कमेटी बैठे ने, इन्होंने पता है कि पंजाब के बीच नहीं गुजरे। I don't want Punjab to become like that. I will not never allow it to become like that. जो पहला ऐसे इतना है कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बन गया था। Do you think we want that to happen again? Never. As long as I'm there, it will never happen. ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक